शामली सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गन्ना समिति चेयरमैन कमलेश देवी ने की। बैठक में समिति सचिव सहित सभी डायरेक्टर मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति शामली के कार्यालय में प्रबंध कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी संचालक उपस्थित हुए। मीटिंग में गन्ना मूल्य भुगतान पर चर्चा हुई तथा माननीय गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा जारी फार्म मशीनरी बैंक स्थापना के विषय में विस्तृत चर्चा उपरांत छोटे कृषकों को समिति के माध्यम से कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराने हेतु विचार किए गए, जिसमें कृषकों की कम लागत से अधिक उत्पादन किया जा सके तथा कृषकों की आमदनी दोगुनी की जा सके। प्रस्ताव बोर्ड की अध्यक्षता कमलेश देवी व उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह व संचालक वीरेंद्र मलिक, डायरेक्टर पुष्पेंद्र निर्वाल, सचिव महोदय मुकेश राठी द्वारा पारित किए गए। वह प्रबंधन कमेटी की मीटिंग में सभी चीनों मिलों के महाप्रबंधन उपस्थित रहे। जो है हमारी प्रबंधन कमेटी की मीटिंग आउट की गई यहाँ पे, और इसमें चार पांच एजेंडे थे हमारे। तो पहला एजेंडा तो हमारा गत बैठक की पुष्टि पर विचार, उसको सर्वसम्मति सभी ने उस पर पुष्टि की गई उसकी। और दूसरा जो हमारे समिति में आवासीय कॉलोनी बनी हुई है, उसमें समस्त बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो समिति के कर्मचारी हैं प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं को आवास आवंटित कराए जाए भविष्य में। तीसरा था हमारे एक प्रमुख सचिव जो हमारे गन्नायुक्त माननीय गन्नायुक्त भी हैं, उनका एक सर्कुलर आया है छोटे किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए गन्ना समिति शामली में। उनका पूरे प्रदेश की समितियों को भेजा गया है, तो उसमें यह है कि जो छोटे किसान महंगे यंत्र नहीं ले सकते, उन यंत्रों को समिति द्वारा एक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करके पहले आवक पहले पावक पर प्रति घंटे के हिसाब से उन्हें किराए पर दिया जाए, और जिससे किसान की आमदनी कम लागत में दुगनी हो सके। और यही हमारी सरकार का वो भी है, मुख्य उद्देश्य है छोटे किसानों की आमदनी दुगनी करने का। तो ये सर्वसम्मति से हमारे सम्मानित प्रबंध कमेटी द्वारा प्रस्ताव पास किए गए हैं। ये प्रस्ताव फिर यहाँ से उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जाएंगे।